नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे Paytm के IPO के बारे में, जो कि आज तक का सबसे बड़ा IPO है दोस्तों, जिसकी ओपनिंग 8 नवंबर को है और क्लोजिंग जो है 10 नवंबर के आसपास है। और यदि प्राइस रेंज की बात करें तो 2080 रुपये का मिनिमम प्राइस है, और मैक्सिमम प्राइस की बात करें तो 2150 रुपये मैक्सिमम प्राइस है। यदि आप इसमें अप्लाई करो तो 2150 रुपये का मैक्सिमम जो प्राइस है उस पर अप्लाई करना, ताकि आपका जो IPO ही के जो मिलने के चांस है वो ज़्यादा हो उसके। यदि क्वांटिटी की बात करें तो मिनिमम क्वांटिटी 6 अप्लाई कर सकते हैं, इससे कम आप अप्लाई नहीं कर सकते। और यदि हम बात करें इस IPO के बारे में तो अच्छा खासा ये IPO है, और इसके जो प्रॉफिट है वो अभी भी नेगेटिव देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। अब हम चलते हैं इस IPO के रिजल्ट की तरफ, फाइनेंशियल रिजल्ट की तरफ, देखें कि 2019 और 20 की रिजल्ट कैसे और 2021 के कैसे हैं। चलिए हम पहले देख लेते हैं कि 2019 और 20 के ऑपरेटिंग रिवेन्यू जो है वो पहले 2019 में था 3232 करोड़ का, जो कि 2020 में जो है 3280 करोड़ के आसपास का दिखाई दे रहा है। उसके बाद टोटल एक्सपेंसेस की बात करें, जो खर्चा हुआ है टोटल, तो उसकी बात करें तो 2019 में 7000 करोड़ का करीब करीब जो है खर्चा था इनका, जो कि बाद में घटता हुआ दिखाई दे रहा है 6226 करोड़ के आसपास। उसके बाद जो टोटल लॉस है उसकी बात करें तो 2019 में जो है 4217 करोड़ के आसपास इसका टोटल जो है लॉस था। उसके बाद 2020 में जो कम होते हुए दिखाई दिया, 2942 करोड़ का इनका जो है टोटल लॉस हो गया। और अभी भी फिलहाल भी ये जो Paytm IPO है वो लॉस में है, ये कंपनी लॉस में चल रही है। यदि कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग्स की बात करें तो 4495 करोड़ थे करीब 2019 में, और 2020 की बात करें तो 2385 करोड़ के जो है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग थे। अब हम देख लेते हैं 2020 और 21 के रिजल्ट, कंपैरिजन करें कि किसका जो है अच्छा रिजल्ट रहा है। तो 2020 की और 21 की टोटल एक्सपेंसेस की बात करें तो 2020 में जो थे एक्सपेंसेस ज़्यादा थे 6138 करोड़ के, जो कि 2021 में 4728 करोड़ के होते हुए दिखाई दिए। उसके बाद मार्केटिंग प्रमोशन, इसके ऊपर जो खर्च हुआ है 1397 करोड़ का 2020 में हुआ है, 21 की बात करें तो 542 करोड़ का हुआ है। अब हम टोटल रिवेन्यू की तरफ चलते हैं तो टोटल रिवेन्यू जो है 2020 का 3540 करोड़ का था, जो कि 3186 करोड़ का 2021 में होते हुए दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लॉस की बात करें तो मैन जो है वो लॉस ही है दोस्तों। 2020 की बात करें तो 2942 करोड़ का टोटल लॉस था कंपनी का, जो कि बाद में 2021 में कम होता हुआ दिखाई दिया, करीब करीब 1200 करोड़ का कम होते हुए दिखाई दिया। और अब की बार जो लॉस हुआ है 1700 करोड़ का जो है लॉस हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं कि कैसा है ये IPO, तो बहुत अच्छा है। आप यदि फ्यूचर के लिए जाना चाहो 5-10 साल के लिए तो इसको अप्लाई कर सकते हो। और यदि कंपटीटर की बात करें तो इसके जो हर सेक्टर में कंपटीटर भी है, लेकिन इसकी ग्रोथ की बात करें तो अच्छी खासी ग्रोथ के सारी जो है ये IPO जा रहा है दोस्तों। यदि हम इसके इनकम की बात करें तो इनकम जो है कम हुई है 2020 के मुकाबले में 2021 की, जो कि करीब करीब 10% का फॉल हुआ है। और जो 2020 में इनकी इनकम थी 3540 करोड़ की, जो कि अभी 3186 करोड़ की होते हुए दिखाई दे रही है दोस्तों। अब हम चलते हैं इसके जो कौन से इसके सेक्टर है जहाँ से रिवेन्यू, जिनकी इनकम जो है जनरेट होती है। तो पहला है दोस्तों Paytm मॉल, जहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं ऑनलाइन, तो वो है। यदि इसकी कंपटीटर की बात करें शॉपिंग के मामले में, तो शॉपिंग के मामले में बहुत सारे कंपटीटर है, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, और हालांकि इसकी भी अच्छी खासी ग्रोथ है। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं Paytm मनी, तो Paytm मनी सेकंड सेक्टर है इसका, जहाँ से इसका जो है इनकम जनरेट होती है। तो Paytm मनी से आप जो है किसी भी शेयर को परचेज कर सकते हैं। इस सेक्टर में जो है ब्रोकर का काम करता है, ब्रोकरेज बहुत कम चार्ज करता है दोस्तों Paytm मनी। नेक्स्ट सेक्टर की यदि हम बात करें तो नेक्स्ट सेक्टर है दोस्तों Paytm ट्रांजैक्शंस, जहाँ पे ओल्ड ट्रांजैक्शन होती है, कहीं पे भी कोई भी परचेजिंग करनी है या आपको पैसे भेजने हैं या रिसीव करने हैं, तो इस ऐप के थ्रू आप सब कुछ काम कर सकते हैं, कोई रिचार्ज करना है तो वो भी। तो ये तीन सेक्टर है जहाँ से इनकी जो है इनकम जनरेट होती है। तो अच्छा, ये यदि बात करें अच्छा है, आने वाले समय की बात करें तो कंपटीटर इसमें अच्छे खासे हैं। जैसे कि Paytm मॉल की बात करें तो Paytm मॉल में है कंपटीटर फ्लिपकार्ट, अमेजोन। यदि सिंपल Paytm मनी की बात करें
शेयर मार्केट की, तो जीरोदा, अपस्टॉक्स और बहुत सारे एंजल ब्रोकिंग, बहुत सारी और भी कई सारे ब्रोकर्स हैं जो इनके कंपिटिटर हैं। यदि हम सिंपल पेटीएम में जाएँ तो इसके कंपिटिटर भी बहुत सारे हैं, जैसे फ़ोनपे, गूगल पे और मोबीक्विक वगैरह। तो इसका फ्यूचर जो है थोड़ा सा मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा रिस्क है, आप लॉन्ग टर्म के लिए मत जाइए इसमें, और यदि आप जाना चाहो तो मार्केट जो गेन है उसके लिए जा सकते हैं, ताकि आपका पैसा जो है थोड़े ही समय में आपका अच्छा खासा जो है रिटर्न मिल सके और आप यहाँ से निकल सको दोस्तों। तो ये था पेटीएम के बारे में रिव्यू, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, हमारे जो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।